मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए के आंदोलन पर आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ के प्रादेशिक अध्यक्ष वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रही है वह सराहनीय है। वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एकाधिकार एवं अपने पेशेवर हितों को साधने के लिए एलोपैथ चिकित्सकों का संगठन आईएमए झूठा व भ्रामक प्रचार कर रहा है। ये लोग ईमानदारी से मरीजों की चिकित्सा नहीं करते, चारों तरफ कमीशन, भ्रष्टाचार और शोषण से जनता त्रस्त है। चिकित्सकों का काम सेवा भाव है, लेकिन हर तरफ आज चिकित्सा जगत में लूट मची है। जांच और सर्जरी के नाम पर लूट किसी से छुपा नहीं है। वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने चिकित्सकों से अनुरोध किया कि जनता को उचित दर पर सेवा भावना, कमीशनखोरी, विशेष रूप से जांच के नाम पर भ्रष्टाचार को समाप्त करवाएं और जनता को सस्ती सुलभ इलाज का लाभ दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 35-40 अरे और ज्यादा, भारत सरकार ने जो है जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जो एमएस हैं, आयुर्वेद के एमडी चिकित्सक जो हैं, उनको जो है सर्जरी का, बहुत सारे तरह की सर्जरियों का जो है उनको जो है उन्होंने मान्यता दी है कि आयुर्वेद चिकित्सक भी जो वो है पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो मतलब उसको कर सकते हैं। तो इन लोग का वही विरोध है कि आयुर्वेद चिकित्सक सर्जरी न करें, तो उसी के लिए इन्होंने कल भारत बंद का प्रोग्राम किया था, ताकि जो है कि आयुर्वेद चिकित्सकों को यह मतलब सर्जरी करने का अधिकार न दिया जाए। तो सर्जरी करने के लिए जो अधिकार दिया गया है आयुर्वेद चिकित्सकों को, इसको लेकर के उनको क्या कष्ट है इस तरह का कि वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये उनको अगर विरोध करना है, पहली बात यह है कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से आज अंग्रेजी चिकित्सा में जनता त्रस्त है, गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे जो जनता, दोनों जनता बहुत त्रस्त है, चिकित्सा बहुत महंगी हो गई है। जहाँ पे 10,000 में काम होने वाला है वहाँ पे लाखों रुपए में काम हो रहे हैं। तो इनको डर यही है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक को अगर सर्जरी का अधिकार मिल गया तो जहाँ ये 50,000-1,00,000 रुपया लेते हैं वो 5,000-10,000 में सर्जरी करेंगे, और इनका जो मनमानापन है, जो लूट मची हुई है ये एलोपैथ चिकित्सकों की, इनके लूट पर जो है अंकुश लगेगा, इसलिए इनको भय है, इसलिए ये इस तरह की चिल्ला चो मचा रहे हैं। नहीं तो आप देखें कि जो है ये सरकार का निर्णय है, मुख्यमंत्री उस जी माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन 3 दिन तक उस समय गोरखपुर में थे, इनको अगर कोई सरकार का विरोध करना चाहिए, सरकार के आदेश का विरोध करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के इनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं किए। किसी पैथी का विरोध करना, हमें जो हमने जो इस आवाज़ को इसलिए उठाया है कि किसी पैथी का विरोध करना और किसी पैथी के चिकित्सक का विरोध करना, यह कभी भी हम लोग सहेंगे नहीं है। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक संघ का प्रादेशिक अध्यक्ष हूँ, हम 40 बरस से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 साल हमने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण किया, 1 साल हमने हाउस जॉब किया, तो 46 वर्ष का मेरा कार्यकाल है। और किसी एलोपैथ चिकित्सक की तानाशाही, ये एलोपैथ चिकित्सक का ही काकस है पूरे देश के अंदर, जो आयुर्वेद को आज ये पनपने नहीं दे रहे हैं। अगर आयुर्वेद को उसी तरह की सुविधा दी जाए जो एलोपैथ के मेडिकल कॉलेजों को मिलती है, जिस तरह से सुविधा संपन्न एलोपैथ के मेडिकल कॉलेज होते हैं, शिक्षक होते हैं, उसी तरह का अगर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को सुविधा दी जाए तो निःसंदेह इनसे बेहतर हम काम करेंगे, सस्ती और लोकप्रिय चिकित्सा का लाभ जनता को मिलेगा। कोरोना काल में देखा जाए तो आयुर्वेद ने ही कोरोना काल में काफ़ी लोगों को संभाला है, और आयुर्वेद की बात को देखते हुए आयुष मंत्रालय ने भी काफ़ी पहल की थी। आज आयुर्वेद का महत्व अनादिकाल से रहा है, आयुर्वेद सनातक है, सनातन है। जिस तरह से सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसी तरह से आयुर्वेद को कोई नष्ट कभी नहीं कर सकता है। हाँ, समय समय पर इसमें कभी उतार कभी चढ़ाव होता रहेगा। आज आयुर्वेद के खिलाफ, जो आयुर्वेद भारत की मुख्य चिकित्सा पद्धति है, उसके खिलाफ ये अंग्रेजी दवा कंपनियाँ, अंग्रेजी चिकित्सक और इससे रिलेटेड लोग जो हैं, एक षड्यंत्र करके आयुर्वेद को इस देश में पनपने नहीं दे रहे हैं।
गवर्नमेंट ने जब देखा कि इन लोगों की मनमानी जिस तरह से चल रही है उस पर अंकुश लगाने के लिए गवर्नमेंट भी जागी और उसी का परिणाम है कि सर्जरी का अधिकार मिला, आयुष मंत्रालय को मजबूत किया गया और कोरोना काल में जो है मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं 87 जो है पॉजिटिव कोरोना के मरीज को प्योर आयुर्वेद की चिकित्सा करके उनको मैंने पॉजिटिव किया है। तमाम ग्रामीण अंचलों से लोग आए, तमाम लोग ऐसे आए जो हम नहीं जाएंगे, हमें कुछ भी हो जाए, हम उन्होंने ज़बरदस्ती किया। हम लोग केवल भय से नहीं दवा दे रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट के लाइन है कि चिकित्सकों को दवा नहीं करनी है, लेकिन उनके जिद पर हम लोगों ने इलाज किया और आयुर्वेद में बेहतर मिला। आज 90% एलोपैथ चिकित्सक आपका देखिए तो वो आयुर्वेदिक की दवाएं, उनको 5 दवा में 1 दवा आयुर्वेद की जरूरत होती है। आज हिमालया, चरक जैसे तमाम मल्टीनेशनल आयुर्वेदिक कंपनियां, देसी विदेशी आयुर्वेदिक कंपनियां जो हैं वो केवल एलोपैथ के बदौलत पर हजारों करोड़ का कारोबार कर रही हैं, वो आयुर्वेद चिकित्सकों के बदौलत नहीं कर रही हैं। तो आप हमारी दवा को लिख रहे हैं जिसका आपको कोई ज्ञान नहीं है, एक नए पैसे का, आप सारे मरीज को काढ़ा बता रहे हैं, आप सारे मरीज को डायबिटीज़ के जितने भी डॉक्टर हैं सब मरीज को बताते हैं मेथी खाइए, ये खाइए, वो खाइए, जामुन खाइए, करेला खाइए, नीम खाइए, तुलसी खाइए, गुरुज खाइए, लेकिन वो किस अधिकार से बताते हैं, वो कहाँ पढ़े हैं। लेकिन आज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद का जो कोर्स हमारा है ये प्योर आयुर्वेद की पढ़ाई कहीं नहीं होती पूरे इंडिया में, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें हमको आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों का ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए ये लड़ाई कर रहे हैं कि मिश्रित चिकित्सा पद्धति का नाम ले रहे हैं, चूँकि हम आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों पढ़ते हैं, हमें दोनों का ज्ञान है, हम दोनों चीज़ करने के लिए अधिकृत हैं, लेकिन वो केवल एलोपैथ पढ़ते हैं, उनको वो अधिकृत नहीं है आयुर्वेद के बारे में कुछ भी बोलने का, तो वो किस अधिकार से कहते हैं। इसलिए कल मैंने मांग भी किया आईएमए से, हमने आईएमए से मांग किया है आपको इतना ही परहेज है तो आप लोग पहले आज के तारीख से ऐलान आईएमए के प्रेसिडेंट ऐलान करें है कि कोई भी एलोपैथ का चिकित्सक कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं लिखेगा और न तो किसी जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवा के बारे में अपने मुंह से भी किसी को कुछ कहेगा है। विरोध तो उनका करिए जो बिना पढ़े लिखे आयुर्वेद के डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, उनका विरोध तो ठीक है, लेकिन क्वालिफाइड आयुर्वेद चिकित्सकों का विरोध ये सर्वथा कभी अमान्य है, ये माने नहीं है। आयुर्वेद के चिकित्सक इसमें को अपार खुशी है, हमें ये अधिकार बहुत पहले सरकार को देना चाहिए था, जो ये सरकार काफ़ी देर से यह निर्णय ली, ये निर्णय और पहले आना चाहिए था, इसके लिए हम भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आयुष मंत्रालय और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आयुर्वेद समाज के तरफ से हम हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये काफ़ी विलम्ब से हुआ है। और सर्जरी का अधिकार, देखिए सर्जरी तो आयुर्वेद की ही है, सुश्रुत जी है, सुश्रुत जी पहले दुनिया के आयुर्वेद के सर्जन थे, जिन्होंने जो प्राचीन काल में जो नहरनी होती थी जिससे नाव लोग नाखून काटते थे उससे शल्य चिकित्सा उन्होंने आँख का ऑपरेशन किया था है। तो आयुर्वेद का ही चीज़ है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद की हैं, आयुर्वेद की चीज़ को ही लेके लोग डेवलप करा लिए और हमारे कंट्री में आयुर्वेद को इन काकसों के चक्कर में आयुर्वेद यहाँ डेवलप नहीं करने पाया। आज आप देखिए तमाम आयुर्वेद की चीज़ें, हल्दी है तो आंवला है तो तमाम जड़ी बूटी अमेरिका इंग्लैंड से आती हैं, उसके बारे में वो पेटेंट कराने पर तुले हुए हैं, लेकिन भारत की चीज़ भारतीय चिकित्सा पद्धति यहाँ पर जो है दम तोड़ रही है, केवल ड्यू टू सरकार की उदासीनता के कारण और इनके जो है काकस के कारण अंग्रेजी दवा कंपनियां, अंग्रेजी से जुड़े लोग, एलोपैथ चिकित्सक, इनका काकस जो है वो आयुर्वेद को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो प्राचीन काल के वैद्य नहीं है, हम लोग आजकल के वैद्य हैं और इन वैद्यों को कोई भी आदमी, कोई भी ताकत झुका नहीं सकता है। मैं तो आग्रह करूंगा सभी से कि सारे लोग जो ईमानदारी से उनकी ड्यूटी है, अगर जिला अस्पताल में उनकी ड्यूटी है तो जिला अस्पताल में जाके जनता की सेवा करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे अगर ड्यूटी है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाके उनकी सेवा करें, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं वो अपनी फीस को कम से कम फीस लेके, और कम से कम देखिए एक चिकित्सक के यहाँ 200-300 की लाइन लगी रहती है,
हम लोग भी चिकित्सक हैं, हम लोग भी रोगी देखते हैं, लेकिन 30 40 50 से अधिक एक दिन कोई आदमी उचित चिकित्सा नहीं, उचित निदान नहीं कर सकता है, और रोगी को उचित जो लाभ मिलना चाहिए एक चिकित्सक से वह नहीं मिलता है, क्योंकि उस तरह की डायग्नोसिस 50 के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह की भीड़ लगा के जो केवल धन लोग कमा रहे हैं, मेरा आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह आम बात हो गई है। आज दिल्ली में, बम्बई में कहीं भी चले जाइए, चिकित्सकों के यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमारे पूर्वांचल में भीड़ है, इस भीड़ को भी लोग समझें, और जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी निभावें, अपने पैथी के प्रति वफादार हो। हम आयुर्वेद के चिकित्सक अपनी ड्यूटी को निभावें, हम अपने ड्यूटी के प्रति वफादार हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आज जांच के नाम पर जो लूट खसोट मची हुई है, मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको जो है जितना ज़रूरत हो उतना ही किया जाए। आता है कि तमाम जांच में 50% चिकित्सक को उसके कमीशन के रूप में प्राप्त होते हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है सभी एजेंसियों से जहां ये होता हो, मुझे इसका कोई कन्फर्म सूचना नहीं है, लेकिन सुनने को ऐसा प्रतीत होता है, है? इसलिए मैं ये कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर इस ऐसा होता हो है तो मेरा यह निवेदन है कि जो चीज़ किसी चिकित्सक को कमीशन के रूप में दिया जाता है उतना रेट घटा दिया जाए, और पैथोलॉजी और जांच केंद्रों पर जो है उसका रेट लिखा जाए, और चिकित्सक जो भी जांच करता हो वो अपने कमाई में से जो देना हो जिसको वो दें, ताकि चिकित्सक रोगियों के ऊपर एक कम लोड पड़ेगा और सस्ती लोकप्रिय चिकित्सा का लाभ गरीब और मध्यम वर्गीय को मिलेगा। अमीर तो करा लेता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए बहुत परेशानी है, और इस समय चिकित्सा से सबको चिकित्सा की ज़रूरत है। हर 5 परिवार में 4 परिवार जो है वो बीमार है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो अपने दिल की बात कर रहा हूँ, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यह बात सत्य है कि थोड़ा सा सभी चिकित्सकों से, सभी पैथियों के चिकित्सकों से निवेदन है कि अपने पैथी में लोग जिम्मेदारी से अपना काम करें, और ज़रूर कुछ ऐसा सोचें, IMA से भी निवेदन है कि वो कुछ ऐसा सोचें कि चिकित्सा थोड़ी सस्ती और सरल हो, है, ताकि गरीब आदमी को उसका लाभ मिले, और चिकित्सक के पास जब रोगी जाता है तो उसके साथ जो है उचित व्यवहार हो, उचित उसको सलाह मिले और उचित चिकित्सा मिले। हाँ, अंत में हम आपके चैनल के माध्यम से एक विनम्र निवेदन IMA से करते हैं कि देखिए, हम सब भाई हैं, हम सब चिकित्सा ही कर रहे हैं। अगर IMA का एक आरोप है कि सर्जरी के बाद अगर कोई परेशानी होगी तो फिर हमको ही झेलना है, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि वो चिकित्सक बंधु, हमारे बड़े बड़े चिकित्सक बंधु भी चिकित्सा करते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है तो रेफ़र करते हैं PGI लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर, अन्य चिकित्सकों के पास रेफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो किसी के ऊपर बोझ तो होती नहीं, वो तो एक प्रक्रिया है कि हम अगर चिकित्सा कर रहे हैं, हमारे चिकित्सा में कोई समस्या होती है तो हम सीनियर आदमी को या दूसरी पैथी को भेजते हैं। तमाम एलोपैथ के चिकित्सक हम लोग के पास रोगी को भेजते हैं कि इस चीज़ की चिकित्सा आयुर्वेद में है। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कोई भी चिकित्सा 100% परिपूर्ण नहीं है, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथ है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है, किसी में कोई चीज़ अच्छी है, तो किसी चिकित्सा के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप करना ये एकदम गलत है। सभी चिकित्सा पद्धति अच्छी है, हमें सबको बस यही अपना काम करना चाहिए, बाकी निर्णय सरकार का है, आप सरकार को छोड़ दीजिए। अगर कोई सरकार ने अधिकार दिया है काम करने का, उस काम में कोई अगर समस्या आएगी तो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, सरकार है, उसको फिर समीक्षा करेंगे कि इनको हम अधिकार दिए सर्जरी के लिए और इससे ये परेशानियां उत्पन्न हो रही है, तो ये सरकार का काम है, न कि IMA या किसी का काम है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से जो आदमी काम करेगा रोगी उसका सम्मान करेगा, इसके लिए किसी भी चिकित्सक या किसी भी संस्था को किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, इसके लिए सरकार ने निर्णय दिया है, सरकार इसके लिए कार्य करेगी, सरकार फिर समीक्षा करेगी 6 महीने साल भर बाद कि ये लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या सुविधा आ रही है, और नहीं तो यहाँ CMO साहब है, यहाँ पे जिलाधिकारी है, तमाम गवर्नमेंट की एजेंसियाँ हैं, आयुष मंत्रालय है, उस तरह से जो निर्णय लेना होगा
होगा लेगा, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, हम सभी चिकित्सक बंधु अपना अपना कार्य ईमानदारी के साथ करें। और पुनः मेरा निवेदन है कि जहां से जहां हो सके एक बार पुनः IMA से निवेदन है कि इन सारी चीज़ों की समीक्षा करके कोशिश यही करें कि कुछ मतलब चिकित्सा जगत में थोड़ा सा चीज़ों को हल्का किया जाए, सस्ती किया जाए, ताकि गरीब जनता इसका लाभ उठा सके।